दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी जंगली फूलों सी लड़की। शाम का धुंधलका गहरा रहा था, जैसे कोई मंझा हुआ फोटोग्राफर धीरे धीरे लेंस का अपर्चर कम कर रहा हो। पंछियों, गाय, बकरियों की तरह मैं भी घर लौट रहा था। पतझड़ की शुरुआत हो चुकी थी। रास्ते भर सड़क पर बिखरे पत्तों पर गाड़ी चरमराती सी चल रही थी, मेरी जिंदगी की तरह। मुझे ट्रांजिशन बिल्कुल पसंद नहीं, न खुद का न मौसम का। न जाने क्यों ठहरे रहना चाहता हूँ, बने रहना चाहता हूँ जस का तस। इन दिनों बस्तर के जिला मुख्यालय जगदलपुर में पोस्टेड हूँ। ये बहुत बड़ा जिला है, दूर दूर तक फैली तहसीलें और गांव। कल सुबह मुझे एक इंटीरियर के गांव में जाना है, 190 किलोमीटर दूर, कोई 4.5 घंटे का फासला है। थोड़ी पक्की सड़क, थोड़ा कच्चा रास्ता, शायद जिंदगी के सफर की तरह। वहां रेस्ट हाउस का सीला कमरा मेरा इंतजार कर रहा होगा। मैं जाकर खिड़कियां खोलूंगा और उसकी दीवारों को जरा सी धूप नसीब होगी। मुझे लगा जैसे मेरे मन में भी ऐसी ही सीली दीवारें हैं और कोई बंद खिड़की भी। जीप मेरे सरकारी बंगले के सामने रुकी तो भीतर से अर्दली दौड़ा आया और ब्रीफ केस लेकर चला गया। मैं अंदर जा रहा था कि मेरा फोन बजा। माँ थी। दो बातें हालचाल के पूछ कर वो वापस अपने मुद्दे पे आ गईं। बेटा, आज फिर प्रिया की मम्मी का फोन आया था। प्रिया 28-29 की हो गई है। तो मैं क्या करूं माँ, उसकी उम्र तो रोक नहीं सकता ना, मैंने खींचते हुए कहा। रोकने को कौन कह रहा है, बस शादी के लिए हाँ कह दे बेटा। अब तेरी उम्र भी 35 की होने वाली है, अपना परिवार जरूरी है बेटा। मैं अनमना होकर हाँ ना कहता रहा। मेरे अजीब व्यवहार को देखकर माँ की आवाज भी सुस्त पड़ गई। ये आज कुछ नया नहीं था, पिछले कई सालों से चला आता सिलसिला था। फोन बंद करके मैं सीधे नहाने चला गया और 10 मिनट बाद वापस आकर झूले पे बैठ गया। मोबाइल पे प्रिया का मैसेज था। माँ की बात का बुरा मत मानना, यू टेक योर ओन टाइम, जिंदगी भर का फैसला है, दबाव में आके थोड़े लोगे। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ भी कहता उसको तकलीफ ही होनी थी। प्रिया मेरी बचपन की दोस्त थी, माँ की सबसे खास सहेली की बेटी। जब माँ ने उससे मेरी शादी की बात कही और मैंने उसको एक दोस्त से अलग नजर से देखा, तब भी वो मुझे अच्छी लगी थी, यानी मुझे भी पसंद थी प्रिया। लेकिन शादी से इनकार की वजह, शायद परिवार की जिम्मेदारियों से भागना चाहता था, या शायद मैं खुद नहीं समझ पा रहा था। मेरी सफेद सरकारी कार बस्तर के जंगलों के बीच से गुजर रही थी। अजीब थे ये जंगल, आज भी कितने अनछुए से। ऊंचे ऊंचे साल के पेड़ों के बीच आसमान का अस्तित्व जैसे गुम हो रहा था। शाम होते होते मैं अपनी मंजिल तक पहुंच गया, एक छोटी सी तहसील। वहां बने फॉरेस्ट रेस्ट हाउस का चौकीदार मेरे इंतजार में था। रेस्ट हाउस क्या, एक सरकारी मकान को थोड़ा बहुत ठीक ठाक करके रहने लायक बना दिया गया था। कैसे हो मंगल, मैंने पूछा तो वो 90 डिग्री पे झुक गया। अरे साहब, आपने पहचान लिया, कोई 6-7 बरस पहले मेरी पोस्टिंग यहीं रही थी। हाँ, क्यों नहीं पहचानूंगा तुमको, थोड़ा सा उम्र हो गई है, इसके अलावा तुम में कुछ बदला थोड़े है, मैंने हंसते हुए कहा तो मंगल भी मुस्कुरा दिया। तो बताओ आज क्या पकाओगे, मैंने जूते उतारते हुए पूछा तो मंगल की आंखें चमक गईं। साहब कड़कनाथ लाऊं और सल्फी, मुझे मंगल के उत्साह को देखकर हंसी आ गई। आज के युग में भी ये गांव वाले कैसे सरल हैं, मेहमानों की खातिर करने वाले। मंगल मुझे चुप देखकर बोला, तो कड़कनाथ बनवाता हूं, और भीतर चल दिया। कड़कनाथ यहाँ का खास मुर्गा है, डेलिकेसी मान लीजिए, और सल्फी यहाँ के ताड़ से मिलने वाला रस। मुझे अचानक इधर लौटना अच्छा लगने लगा। मैंने अपना पोर्टेबल म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया और पुराने फिल्मी गानों से जंगल का सन्नाटा भरने लगा। अगली सुबह मैं जल्दी दौरे पे निकल गया। इंटीरियर के गांव तक आना जाना ही एक संघर्ष था, इसलिए बेहतर था कि वक्त रहते अपने ठिकाने पे लौटाया जाए। मैं यहाँ 1 सप्ताह रहने के इंतजाम से आया था। घूमना फिरना मुझे रास आता नहीं था, इसलिए किताबें, पत्रिकाएं और अपना यह म्यूजिक सिस्टम साथ लिए चलता था। वो यहाँ मेरी तीसरी शाम थी। पास के स्कूल से बच्चों का शोर सुनाई दे रहा था, तभी घंटी बजने की आवाज़ हुई और शोर बढ़ने लगा। यहाँ वहाँ दौड़ते बच्चे नजर आने लगे। तभी रेस्ट हाउस के बागीचे के दरवाजे को ठेलता हुआ एक बच्चा दौड़ता चला आया और उसके हाथ में एक डिब्बा था, शायद पेंसिल बॉक्स। बच्चा कोई 4 साल का होगा या 5 का। वो भागता हुआ मेरी कुर्सी के पीछे छुप गया और उसको खोजते हुए 2 बड़े बच्चे वहां चले आए।
अंकल आपने घुंघरू को आते देखा? मैं चुप रहा, उस बच्चे का खेल बिगाड़ना नहीं चाहता था। तभी एक बड़ा बच्चा बोला, घुंघरू तेरी माँ बुला रही है, चल। और वो बच्चा मेरी कुर्सी के पीछे से निकल आया। ये वो उम्र थी जब माँ दुनिया होती है और उसका बुलाया जाना जैसे अमिट आदेश। मैं भी ऐसा ही रहूंगा शायद। और अब हर बात पर माँ का विरोध करता हूँ और सीधे शब्दों में ना कह देता हूँ। कहाँ है माँ? बच्चे ने हौले से पूछा। उसके बाल माथे पर फैले हुए थे, थोड़ी एकदम नुकीली। वो मुझे टुकुर टुकुर ताक रहा था और मैं शायद उसको। इतना छोटा बच्चा यहाँ अकेला कैसे घूम रहा है? कौन है ये? और मुझे न जाने क्यों इसकी शक्ल पहचानी सी लग रही थी। रात शायद बारिश हुई थी। मैंने खिड़की का पर्दा एक ओर सरका दिया, वो खिड़की जो जंगल की तरफ खुलती थी। जंगली फूलों की महक कमरे में भर गई। मैंने गहरी सांस ली। कैसा एक नशा होता है इन जंगली फूलों में, मैंने मन ही मन सोचा। और मुझे कुछ याद आने लगा। जंगली फूल, नशा या कुछ और, ठीक ठीक कह नहीं सकता। बहुत वक्त बीत गया है, 6 साल पहले के वो भी बरसाती दिन थे जब मेरी यहीं पोस्टिंग थी। सुबह 10 से लेकर 5 तक दफ्तर में बिताने और कभी कभार दौरे पर निकल जाने के अलावा मेरी जिंदगी में कोई हलचल थी तो बस मेरे पोर्टेबल म्यूजिक प्लेयर में। बिजली का यहाँ कोई भरोसा नहीं था, इसलिए मैं बैटरी साथ रखता था ताकि जरा देर को भी कमरे में चुप्पी ना हो। इंटरनेट कनेक्टिविटी भी तब ना के बराबर थी, यानी दुनिया से पूरी तरह कटा हुआ था मैं। लेकिन यहाँ गांव की अपनी एक दुनिया थी। पक्के बाजार के अलावा सड़क के किनारे लगते साप्ताहिक हाट थे, सरकारी दफ्तर थे, कुछ सरकारी घर भी, लेकिन मेरी तरह कोई रहता नहीं था। ज्यादातर सभी अप डाउन करते थे। एक छोटा सा 2 कमरों का अस्पताल था और एक मिडिल स्कूल, वही स्कूल जिसके बच्चों का शोर मेरे कमरे तक आ रहा था, वही स्कूल जिसमें एक 20-22 साल की लड़की पढ़ाने आया करती थी। अपना नाम देवंती बताया था उसने, पास के गांव से आती थी। उसने 12वीं तक पढ़ाई की थी। गांव की लड़कियों में मैं सबसे ऊंचा पढ़ी हूँ, वो गर्व से गर्दन तान के बोली थी तो मैं देर तक हंसता रहा था। वो मायूस सी मेरा चेहरा ताकती रह गई थी। मैंने उसको शाबाशी देते हुए कुछ ताज़ा पत्रिकाएं और किताबें दी तो उसका उतरा चेहरा खिल गया था। वहाँ गाँव में किताबें मिलना कितना मुश्किल है मैं जानता था। उस दिन के बाद से वो अक्सर मेरे पास आने लगी। मुझे उसका आना अच्छा लगता था। उसकी बातें घर की चुप्पी को आवाजों से भर देती थी। उसकी बातें झरने के पानी जैसी कल कल करती उसके गले से उतरती थी। वो कुछ देर को मेरा अकेलापन दूर कर दिया करती। उसके पास बहुत सारे सवाल होते थे, कुछ के मैं जवाब दे पाता और कुछ पे हंस पड़ता। अच्छा तो इंजीनियर हो आप, कितने साल पढ़ाई की है? वो अपने हाथ में पकड़ी पत्रिका के पन्ने पलटते हुए पूछती। कई बार वो आती तो मैं किसी फाइल में उलझा होता, गांव के बाहर बन रही पुलिया का नक्शा बन रहा होता तो वो चुपचाप बैठी मुझको देखती रहती, जैसे झरना किसी शांत गहरी झील में तब्दील हो गया हो। उन्हीं दिनों मैंने जाना कि लड़कियां बड़ी आसानी से खुद को बदल लेती हैं, झट से झील हो जाती हैं। देवंती मेरी तरफ झुकने लगी थी, मैं देख सकता था, लेकिन मैं ये नहीं जान पाया कि इस बदलाव के पीछे उसके मन में चुपके से पलता प्रेम हो सकता है। और शायद इसीलिए एक शाम मैंने खुदगर्जी की सारी हदें पार कर दी और उसे वहीं रुक जाने को कह दिया। रात भर वहीं मेरे छोटे से सरकारी घर में मेरे साथ। सर गाड़ी तैयार है, सब इंजीनियर साहब भी आ गए, ड्राइवर ने दरवाजा नॉक करते हुए कहा तो मैं 6 बरस पीछे के सफर से एक झटके में वर्तमान में आ गया। लेकिन मेरे जहन में जरा सी देवंती चिपकी चली आई थी, नाजुक सी, मुलायम सी, बात बात पर हंस पड़ने वाली देवंती। वो लड़की जो ऐसे ही मेरी जिंदगी में चली आई जैसे इस बात से उसे कोई लेना देना ही नहीं कि उसको मैं किसी भी समय आइंदा यहां कभी ना आने का आदेश देकर रफा दफा कर सकता हूं, जैसे वो इस बात से बेखबर है कि उसमें और मुझमें कितने फासले हैं और मेरी और उसकी दुनिया कितनी अलग। देवंती मेरे मकान पर जब भी आती अपने हाथ में कुछ न कुछ जंगली सौगात लेकर आती थी, कभी फूलों का गुच्छा, कभी मुट्ठी भर महुआ, कभी तेंदू के फल, या कभी कभी मेरी हथेली पकड़कर उसमें कोई कीट पतंगा धर देती। मैं हाथ झटककर गुस्से से खड़ा हो जाता और वो पेट पकड़कर देर तक हंसती रहती।
वैसे ही जैसे उसकी 12वीं पास हूं कहने पर मैं हंसा था। देवंती बेहद खुशमिजाज लड़की थी, जैसे अपने साथ कोई हरा भरा जंगल लिए चलती हो, बालों में छोटे नीले सफेद फूलों वाली लताएं उलझाए। उसके ऊपर से वैसी ही महक आती थी और वो मेरे विदेशी कोलोन की महक को गहरी सांस खींच के कहती, कितनी अच्छी खुशबू है ये, और मैं उसे अपने सीने में जज्ब कर लेता। उन दिनों माँ के लगातार आते फोन के, शादी कर लो बेटा, फलाना लड़की की तस्वीर भेजी है, फलाना को तेरा नंबर दिया है, कायदे से बात कर लेना चाहिए। मैं सब कुछ अनसुना करके अपनी दुनिया में खोया रहता, मेरी और देवंती की दुनिया। मैं कभी कभी गांव से शहर आता तो वो बेचैन हो जाती, मेरे लौटने पर मुझे घर की दहरी पर बैठी मिलती, वहीं आसपास फूलों के कई सूखे गुच्छे मुझे नजर आते। जब तुझे पता था कि मैं यहाँ नहीं हूं तो क्यों लेके आती थी ये फूल, और आती क्यों थी? मैंने उसको एक बार टोका भी था। वो खनक जैसी हंसी बिखेर के बोलती, आए बिना चैन भी नहीं पड़ता था, और फिर मेरा हाथ खींचकर मुझे मेरे ही घर के भीतर चली आती थी। मैंने कभी देवंती से प्यार मोहब्बत की बातें नहीं की, सच कहूं तो कुछ खास बातें ही नहीं की। वो अलग थी, क्या कहता सुनता, मेरे लिए तो शायद एक लड़की थी, बहुत प्यारी लड़की। बस मैं तब बिल्कुल नहीं समझ पाया था कि क्यों वो अपने आप को मेरे सुपुर्द कर देती है। शायद वो मेरे पास मेरे लिए नहीं, अपने लिए आती थी। शायद छोटे से गांव में रहने वाली उस लड़की ने प्यार को बहुत गहरे पढ़ रखा था। ये मुझे थोड़ा थोड़ा उस दिन समझ आया जब वो एक दिन मुझसे ये कहने आई कि मैं अब नहीं आऊंगी, और वो चली गई शायद अपने नाना के गांव। वो देर तक मेरे सामने खड़ी अपनी डबडबाई आंखों से मुझको देखती रही थी बिना कुछ कहे, और मैंने उसको रोकने की कोई कोशिश नहीं की, जाने दिया उसे बिना कुछ कहे। यादों के चले आने के बड़े तयशुदा बहाने होते हैं, कभी किसी गीत का रेडियो पे आना, कभी भीड़ में कोई हल्की सी महक, कोई आवाज, किसी इमारत की बंद खिड़की, किसी किताब में मिला कोई पुराना बिल, कोई मुड़ा पन्ना, या किसी सीधी सड़क पर दूर दिखता कोई मोड़। उस दिन उस बच्चे घुंघरू के अचानक चले आने के बाद से मैं देवंती को सोचता रहा था कि वो भी तो ऐसे ही चली आई थी, उड़ती हुई अचानक, और ठहर गई थी मेरे अकेलेपन में एक आवाज बनकर। घुंघरू, ओ घुंघरू, एक तेज आवाज मेरे कानों में पड़ी, और वही बच्चा दौड़ता हुआ उसी दिन की तरह मेरी कुर्सी के पीछे आकर छुप गया, और उसके पीछे पीछे उसको खोजती एक औरत भी चली आई और ठीक मेरे सामने आकर ठिठक गई। मैंने ध्यान से उसकी तरफ देखा, देवंती। मैं चौंक के खड़ा हो गया, वो मुझे पहचानते ही एकदम पलट के जाने लगी। तभी वो बच्चा मेरी कुर्सी के पीछे से निकल आया और माँ कहता हुआ लपक के उसकी गोद में चढ़ गया, देवंती का बच्चा। मुझे एहसास हुआ कि कितना वक्त गुजर गया था, मैं वहीं ठहरा हूं तो क्या हुआ। आओ ना, मैंने हिचकते हुए उसको बुलाया तो वो रुक गई, मेरी तरफ देखते हुए उसकी आंखें डबडबा आईं, वैसे ही जैसे जाते हुए डबडबाई थी। मैं अचकचाकर यहां वहां देखने लगा और फिर मुड़कर अपनी कुर्सी में बैठ गया। देवंती वहीं बरामदे की सीढ़ियों पर बैठ गई, मैं उसे ध्यान से देखने लगा। उसके भीतर का जंगल अब मुझे नहीं दिखाई दे रहा था, अमलतास की फलियों जैसी हंसी भी नदारत थी। वो अपने बच्चे को सीने से भींचे बैठी थी। मैं बहुत देर तक सोचने के बाद इतना ही कह सका, कैसे हो? वो चुप रही। अब भी इसी स्कूल में पढ़ाती हो? उसने सर हिला के हाँ में जवाब दिया। इसी गांव रहती हो? उसने फिर हाँ में सर हिलाया। ब्याह हो गया ना तुम्हारा, इसी ले गई थी नाना के गाँव? मैंने हंसते हुए उसको छेड़ा। वो अब भी चुप रही। मैं थोड़ा हिचकते हुए आगे झुका और उसकी गोद में चिपके बच्चे के गाल थपथपा दिए। अच्छा नाम रखा है, घुंघरू, बहुत प्यारा है, तुम्हारा ही बेटा है ना, जैसे मैं तसल्ली कर लेना चाहता था। देवंती के हलक की हड्डी में हलचल हुई, जैसे कुछ निगल रही हो और वो अटक रहा हो कहीं सांस की नली में। वो बच्चे को कमर में एक तरफ लटका के खड़ी हो गई और बोली, खाली मेरा नहीं, यह आपका भी बच्चा है। जंगलों में शाम बड़ी जल्दी हो जाती है, सूरज अभी क्षितिज तक ढला भी नहीं होता है, मगर ऊंचे दरख्त रोशनी को जमीन तक आने नहीं देते। मैंने उठकर कमरे की बत्ती जलाई और बिस्तर पर आकर लेट गया। दिमाग में खलबली मची हुई थी। देवंती का मेरी जिंदगी में आना और जाना मेरी मर्जी से हुआ था, उसकी भी मर्जी से, इसलिए मैं परेशान नहीं था।
कभी कभी जहन में वो आती भी रही, कोई खुशबू या आवाज या हंसी बनकर, लेकिन फिर वैसे ही झट से चली भी जाती। लेकिन अब ये क्या कह गई थी देवंती, मेरा बच्चा। वो कभी झूठ नहीं बोलेगी, मैं जानता हूं, मुझसे तो बिल्कुल नहीं। मैं रात भर सो नहीं सका, बार बार उसका कहा कानों में बरैया की भुनभुन की तरह तंग करता रहा। देवंती और मेरा साथ कोई एक महीने का रहा होगा। वो रोज शाम मेरे पास आकर बैठ जाती थी और मैं जब चाहे उसे अपने पास रुक जाने को कह देता था। मुझे गुस्सा आने लगा था अपने आप पर, ये मैं क्या कर रहा था उन दिनों, और ये जानते हुए भी कि वो मुझसे प्यार करने लगी है। मेरी आंखों के सामने मेरे स्पर्श से सुर्ख लाल हुई उसकी सूरत आ गई, कैसी पारदर्शी, कितनी सरल। मुझे याद आ गया खामोशी से उसका मेरा हो जाना। अगली सुबह मैं कहीं दौरे पे नहीं गया। शाम को स्कूल की घंटी बजते ही चौकीदार को भेजकर देवंती को बुलवा लिया। वो फिर मेरे सामने सर झुकाए बैठी थी, खंडहर हो चुकी यादें एक एक ईंट फिर चुनती जा रही थी। घुंगरू वहीं हाथ में कॉपी पेंसिल लिए कुछ गोदा गादी कर रहा था। कौन जाने कभी यूं ही वो अपने पिता का नाम लिखना चाहेगा, पूछेगा अपनी माँ से। मुझे घुटन होने लगी, क्या करूं क्या ना करूं समझ ही नहीं आ रहा था। तुमने मुझे तब क्यों नहीं बताया, मैं धीरे से बुदबुदाया, इतना धीरे जैसे डर रहा हूं कि कोई सुन न ले। देवंती भी बताती तो क्या करते, वो हौले से बोली। मैं अपराधियों की तरह नजर झुकाए बैठा रहा। इसको स्कूल में भर्ती किया है, मैंने पूछा, अचानक जैसे एक जिम्मेदार बाप बनने का ढोंग करने लगा था। उसने हाँ में सर हिलाया, पढ़ाऊंगी इसे, वैसे ही किताबें लाके दूंगी जैसे आप मुझे देते थे, बोलते हुए उसका गला भर्रा रहा था। मैं चुप रहा कि वो कुछ कहे मुझसे, कोई मदद कैसी भी, या कभी भविष्य में आकर मिलने के लिए मेरा स्थायी पता ही मांग ले। पर नहीं, वो अलग थी, सबसे अलग, मुझसे अलग। अंधेरा गहराने लगा तो वो उठकर चली गई। मैं फिर एक रात आंखों में काट रहा था। अगले दिन मैंने सुबह सुबह का समय होते ही फिर चौकीदार से देवंती को बुला भेजा। 10 मिनट बाद वो अकेला लौटा। साहब वो नहीं आई, दूसरी एक मैडम थी, वो बोली कि लंबी छुट्टी पे चली गई है दूर गांव कहीं। मुझे अपने भीतर एक अजीब सी कसमसाहट महसूस होने लगी। कई बरस पहले कई कई दिन और रातें साथ गुजारने के बाद भी वो जा रही थी तो मैं बेचैन नहीं हुआ था, देह का रिश्ता था टूट गया था। पर आज मुझे ये क्या हो रहा था, ये मन देह के आगे घुटने टेक रहा था। मेरी आंखें धुंधलाने लगी, शायद देवंती की तरह मेरी आंखें भी झील हो गई हैं। मैंने आंखें कस के भींच ली। कमरे में जंगली फूलों की गंध महसूस हो रही थी, लगा नीले सफेद छोटे फूलों की लताएं मेरी गर्दन कस रही हैं। मैंने ड्राइवर से गाड़ी निकालने को कहा, मैं जल्द से जल्द इस जंगल से निकल जाना चाहता था, बहुत बहुत दूर। बस इतनी सी थी ये कहानी।